हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है जीके करंट चैनल पर। मैं हूं अभी आपके साथ। तो आज की वीडियो में हम लोग जुलाई मंथ का करंट अफेयर देखेंगे, जुलाई मंथ 2024 का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में हुआ? इसका हो जाएगा अमेरिका। दूसरा देखते हैं, विंबलडन 2024 वुमेन टाइटल का खिताब किसने जीता? तो इसका हो जाएगा बारबोवा केर जिसकोबा, ठीक है। और पुरुषों में कार्लोस अल्काराज ने जीता, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन बने हैं? तो इसका हो जाएगा मनोले मार्केज, ठीक है, मार्केज। ये जो है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच बने हैं। चौथा देखते हैं, एसबीआई का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसबीआई का अध्यक्ष जो है वह चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी। पांचवा देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेडेंस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक हो जाएगा इसका 72। रूस का सर्व सम्मान कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ठीक है। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। सातवां देखते हैं, ब्लू लाइन किन देशों के बीच है? तो इसका ब्लू लाइन जो है इसराइल और लेबनन के बीच है। हरेला त्यौहार जो है वह उत्तराखंड में मनाया जाता है। नवा देखते हैं, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो इसका हो जाएगा वियना, हो जाएगा ऑस्ट्रिया कैपिटल वियना। दसवां देखते हैं, यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हो जाएगा एंटोनियो कोस्टा, ठीक है, एंटोनियो कोस्टा जो है वह या यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं। आगे देखते हैं, लियोन मास्टर शतरंज चैंपियन 2024 किसने जीता है? तो इसका हो जाएगा विश्वनाथ आनंद ने। ऐसे 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? तो इसका हो जाएगा अस्थाना कजाकिस्तान में, ठीक है, अस्थाना कजाकिस्तान में हुआ। आगे देखते हैं, 13वां प्रश्न, एशिया पुरुष बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसका हो जाएगा ध्रुव सितवाला ने, ठीक है। आगे देखते हैं, एससीओ का 10वां सदस्य कौन बना है? तो एससीओ का 10वां सदस्य जो है वह बेलारूस बना है। 14वां देखते हैं, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका हो जाएगा डिक स्कोप जो है वह नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। 15वां देखते हैं, एक्सरसाइज पिच ब्लैक किन देशों के बीच होता है? तो इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया भारत। 16वां देखते हैं, गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका हो जाएगा सुदर्शन पटनायक ने। 17वां देखते हैं, ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेस सकियान। 17 और 18 देखते हैं, यूरोप कप 2024 किसने जीता? तो इसका हो जाएगा, इसका जो है वह स्पेन हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका हो जाएगा केपी शर्मा ओली। 20वां देखते हैं, इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय? तो इसका हो जाएगा लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। आगे देखते हैं, आईओसी के ओलंपिक ऑर्डर सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो इसका हो जाएगा अभिनव बिंद्रा, क्योंकि तो पहली इंदिरा गांधी, ठीक है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस शहर ने एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो हो जाएगा इसका इंदौर, ठीक है, इंदौर हो जाएगा। योग्य 22वां 23वां देखते हैं, रवांडा के राष्ट्रपति जो है वह पाल कागामे बने हैं, ठीक है। 24 देखते हैं, मानस हेल्पलाइन का संबंध किससे है? तो हो जाएगा इसका नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग को रोकने के लिए हेल्पलाइन शुरू किया गया है। 25वां, विश्व के पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका हो जाएगा कौन सा, 25वां हो जाएगा सऊदी अरब। 26 देखते हैं, 2026 विंटर ओलंपिक किस देश में आयोजित होगा? तो इसका हो जाएगा इटली में। 27 देखते हैं, 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया हो जाएगा इसका चराईदेव मोईदाम। 28 देखते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका हो जाएगा प्रीति सुदन।
आगे देखते हैं, मानो भास्कर ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता, तो जाएगा कांस, ब्रॉन्ज कर सकते हैं। एफटीए के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका हो जाएगा एलिसा डी आंद्रा माद्राजी। ठीक है, 31वां देखते हैं, 46 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन की मेजबानी, तो जाएगा भारत इसका। 31 हो गया, 32 देखते हैं, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल जो है वह भारत में है। ठीक है, भारत में, और यह जो है वह भारत के महाराष्ट्र में, और यह एयर इंडिया द्वारा शुरू किया जाएगा। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य, हो जाएगा इसका महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, क्या बोले थे, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य इसका जो होगा मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, एमपी। मैत्री अभ्यास जो है वह भारत और थाईलैंड के बीच होता है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, इसका हो जाएगा कीयर स्टारमर। ठीक है, स्टारमर लिख दे रहा हूँ, पूरा नाम कीयर स्टारमर, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। ऑपरेशन विजय का संबंध जो है वह कारगिल युद्ध से है। ठीक है, और कारगिल वार जो है वह 26 जुलाई 1999 को, ठीक है, और 26 जुलाई को जो है वह कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, 26 जुलाई। ऐसे देखते हैं, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसके द्वारा चलाया गया, तो इसका हो जाएगा आरपीएफ द्वारा। और जो देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जो है वह महाराष्ट्र को मिला है। भारत का पहला सनकिन म्यूजियम जो है वह नई दिल्ली हुमायूं टॉम के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, हुमायूं के मकबरे में। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जो है वह शिखर धवन बने हैं। भारत पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं, तो इसका हो जाएगा गौतम गंभीर। ठीक है, गौतम गंभीर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर जो है वह जो है वह पूर्वी चंपारण बिहार में बनेगा। ठीक है, और इसका नाम विराट रामायण मंदिर है। ठीक है, सिडबी के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका हो जाएगा मनोज मित्तल। श्रमिक बसेरा योजना जो है वह गुजरात राज्य की योजना है। आगे देखते हैं, बीएसएनएल के नए सीएमडी रॉबर्ट रवि। संविधान हत्या दिवस हो जाएगा 25 जून को, 25 जून को जो है वह सरकार ने संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है, क्योंकि 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। ठीक है, अब हो गया, अब इसका रिवीजन देख सकते हैं आप। फिर नाटो शिखर सम्मेलन 2024 अमेरिका में, विमेंडर पुरुष वुमेन बारबोआ क्रेजिस्कोवा और पुरुषों में कार्लोस अल्कराज, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच मनोज मार्केज, एशिया के अध्यक्ष श्रीनिवासुल शेट्टी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेडेंस में भारत की रैंक 72 हो जाएगा। रूस का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ एंड्रयू अपोस्टल। ठीक है, और यह प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। ब्लू लाइन जो है वह इसराइल लेबनान के बीच है। पहला त्यौहार जो है वह उत्तराखंड में। ग्लोबल लेवलिस्ट बिल्टी इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व से रहने योग्य शहर वियना हो जाएगा। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने, हो जाएगा यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष जो है वह एंटोनियो कोस्टा। लियोन मास्टर्स 11वां लिखा हुआ है, लियोन मास्टर्स 2024 चैंपियनशिप जो है वह विश्वनाथ आनंद ने जीता है। एशिया 2024 का आयोजन अस्ताना कजाकिस्तान में। एशिया पुरुष ब्लेडर्स चैंपियनशिप 2024 जीता ध्रुव सितवाल ने। ठीक है, एससीओ का 10वां सदस्य बेलारूस हो जाएगा। नेदरलैंड का प्रेसिडेंट डिक स्कोप हो जाएगा। एक्सरसाइज पेज ब्लैक बाद ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, गोल्डन सेंट मास्टर पुरस्कार सुदर्शन पटनायक, ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजकसियान हो जाएगा। यूरो कप स्पेन हो जाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री ये भी सरपा ओली हो जाएंगे। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में लैंडर पेस और विजय अमृतराज शामिल हुए हैं। आईएस के ओलंपिक और समान से दूसरे भारतीय अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। अब मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने मध्य प्रदेश के इंदौर शहर यहाँ पे इंदौर रहेगा 11 लाख लिखा गया। एक दिन में 11 लाख पेड़ का रिकॉर्ड बनाया, तो हो जाएगा मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। रवांडा की राजधानी पाल कागामे।
मानस रिपायन देख सकते हैं, नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग को रोकने के लिए। विश्व के पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट का आयोजन जो है वह सऊदी अरब में, तो 26 विंटर ओलंपिक जो है वो इटली में हो जाएगा। 43 वर्ल्ड हेल्थ साइट चराई दाम मोई दाम जो कि असम में है, यूपीएससी के अध्यक्ष प्रीति सूदन हो जाएंगी। मानस भास्कर ने कांस्य पदक जीता। एफएटीएफ के अध्यक्ष इल्सा डी अंदराज मदराजी हो जाएंगे। 46 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन भारत में, दक्षिण एशिया सबसे बड़े फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल महाराष्ट्र में एयर इंडिया द्वारा। प्रधानमंत्री स्वामित्व निधि योजना सर्व पदक करने वाला आज एमपी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टार्मर आपस में भेजने के संबंध कार्यगल वार से है। ठीक है, आपस में प्रेस से आरपीएफ हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है। भारत का पहला संकीर्ण म्यूजियम हमारे टाइम के अंदर नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन हो जाएंगे। भारत पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण के बिहार में। ठीक है, और उसका नाम क्या है, विराट रामायण मंदिर। सिडबी के अध्यक्ष मनोज मित्तल हो जाएंगे। श्रमिक बसेरा योजना जो है वह गुजरात हो जाएगा। बेसन के नए सीएमडी रॉबर्ट रवि। और संविधान हत्या दिवस 25 जून। ठीक है, 25 जून 1975 राष्ट्रीय आपातकाल लगा था इसका। ठीक है, तो ये जुलाई मंथ का करंट पैसा, जुलाई मंथ 2024 का। ठीक है, मिलते हैं आगे।